भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन में विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए विभिन्न राज्यों से स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया गया है, जिससे प्रवासी मजदूर अपने घरों तक पहुंच सके। इसी कड़ी में केरल एवं विरामबाग से हजारों प्रवासी मजदूरों को लेकर बेतिया पहुंची स्पेशल ट्रेन, जहां जिलाधिकारी की उपस्थिति में सभी प्रवासी मजदूरों की जाँच कर बस से उन्हें उनके प्रखंड तक भेजा गया। वहीं लुधियाना से सीतामढ़ी तक प्रवासी मजदूरों को लेकर जाने वाली स्पेशल ट्रेन वाया नरकटियागंज होकर गयी। नरकटियागंज में ट्रेन के ठहराव होने के कारण स्टेशन अधीक्षक LB राउत, GRP थाना अध्यक्ष अनिल कुमार दलवल के साथ सुरक्षा इंतजाम में खड़े दिखे, ताकि कोई प्रवासी मजदूर नरकटियागंज में न उतरे। स्टेशन अधीक्षक LB राउत ने बताया कि लुधियाना से सीतामढ़ी तक जाने वाली स्पेशल ट्रेन के आने की सूचना पर मेडिकल टीम, सभी रेल स्टॉप, पुलिस बल मौजूद रही। वहीं इस दरमियान यात्रियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा किराया नहीं लिया गया, साथ ही रास्ते में खाने पीने का इंतजाम किया गया। व्यवस्था ये है कि हमारे यहाँ जो अभी जो लुधियाना से सीतामढ़ी के लिए गाड़ी आ रही है, इसका तकनीकी ठहराव है और यहाँ पर गाड़ियों के लिए ड्राइवर गार्ड के रूप में बदला जाएगा, कौशल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने RPF, GRP तथा हमारा रेलवे का मेडिकल टीम के सारे लोग मुस्तैद थे और गाड़ी को सुरक्षित परिचालन किया गया। कहाँ से आ रहे हैं? खाना उना मिला? गाड़ी क्या क्या मिला? आज तो मिला है, चिप्स मिला था, बिस्कुट और पानी। अच्छा, कल दो टाइम मिला था खाना। खाना की क्वालिटी क्या थी? हाँ जी, खाना कैसे? रोटी था, सब्जी था और दाल था और चावल था। कल खाना मिला था, रास्ते में मिला था खिचड़ी था। टिकट का पैसा भी लगा? नहीं लगा। टिकट का पैसा भी लगा? नहीं लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, नरकटियागंज।